प्रश्न 35, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करें जहां कोण क्यू का माप है 90 डिग्री, क्यू आर बराबर 8 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सीधी रेखा खींच लेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, क्यू आर 8 सेंटीमीटर, पी आर 10 सेंटीमीटर। तो देखिए हम पहले क्यू आर ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्यू लिखेंगे तो क्यू आर कितना है 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर हम परकाल से नाप लेंगे, देखिए इस तरह से ये हो गया 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से नाप लेंगे 8 सेंटीमीटर। अब Q पे रखेंगे और यहाँ पे काट लेंगे, Q पे रख करके देखिए इस तरह से काट लेंगे तो ये हो जाएगा QR। QR कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कोण Q का माप है 90 डिग्री, देखिए M यानी कोण Q का माप कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, तो क्यू पे 90 डिग्री का कोण बना देंगे, क्यू पे 90 डिग्री का कोण बना देंगे। एक बार काटने पे 60 डिग्री, फिर 60 डिग्री से काटेंगे तो 120 डिग्री, ठीक है। और 60 डिग्री और 120 डिग्री के बीच में होता है 90 डिग्री, 60 डिग्री और 120 डिग्री के बीच में क्या होता है 90 डिग्री। अब इसको मिला लेते हैं, तो ये हो गया 90 डिग्री का कोण, ये हो गया 90 डिग्री का कोण। तो क्यू पे 90 डिग्री का कोण बना देना है। अब क्या कह रहा है पी आर, तो देखिए क्यू आर हो गया, अब पी यहां पे होगा कहीं ना कहीं, तो पी आर यानी कर्ण कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर का एक चाप ले लेते हैं, तो 10 सेंटीमीटर है इसीलिए ये प्रकार इसमें देखिए 10 सेंटीमीटर के लिए ये प्रकार ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा फैलता है तो 10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया देखिए 10 सेंटीमीटर, ये हो गया 10 सेंटीमीटर, इस तरह से नाप लेंगे। अब पी आर कह रहा है यानी आर पे रखेंगे परकाल को और इस तरह से देखिए इसको काट लेंगे, तो जहां पे दोनों मिला है वहां पे हो जाएगा पी, क्या हो गया यहां पे पी। अब इसको मिला देते हैं पी आर को, पी आर को मिला देते हैं, तो ये हो गया त्रिभुज पी क्यू आर जिसमें पी आर कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, पी आर 10 सेंटीमीटर, क्यू आर 8 सेंटीमीटर और कोण क्यू 90 डिग्री। तो इसलिए हम क्यू आर देखिए पहले लिए थे क्योंकि Q के बाद R होता है, ठीक है, P के बाद R तो होता नहीं है, तो पी आर क्या हो गया कर्ण हो गया, देखिए पी क्यू आर इस तरह से हम इसको इस त्रिभुज को कहेंगे, तो पी क्यू आर क्या है समकोण त्रिभुज। तो P के बाद देखिए R, Q बीच में था, तो पी आर क्या हो जाएगा कर्ण। तो सबसे पहले हम क्यू आर ले लेंगे जो कि भुजा है समकोण त्रिभुज का, तो क्यू आर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ था, उसके बाद क्यू पे 90 डिग्री का कोण बना देंगे क्योंकि कोण क्यू 90 डिग्री कह रहा है। उसके बाद पी आर 10 सेंटीमीटर ले लेंगे और आर पे परकाल को रख करके इस तरह हम काट लेंगे, तो ये हो गया त्रिभुज पी क्यू आर।
त्रिभुज पी क्यू आर, जिसमें क्या क्या दिया हुआ है, कोण क्यू 90 डिग्री, क्यू आर 8 सेंटीमीटर और पी आर 10 सेंटीमीटर।